हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडोगीज। तो कैसे हो आप लोग? और अभी भी मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ एंड आज मैं जा रहा हूँ लैंसबुर्ग, जो कि फेमस है अपने कासल को लेके। और ये अराउंड लगता है 1.5 से 2 घंटे ज्यूरिख से, तो ये थोड़ा आउटसाइड है। एंड तो वही जाने के लिए भी मैं लूँगा बस, और यहाँ से क्योंकि अभी चल रहा है मेन ज्यूरिख रेलवे स्टेशन पर कुछ काम, और उसकी वजह से ही थोड़ा सा रूट डाइवर्ट है। तो यहाँ से लूँगा मैं बस, बस से सीधा जाऊंगा रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से ट्रेन लेके सीधा जाऊंगा ज्यूरिख मेन रेलवे स्टेशन, और फिर वहां से लूँगा मैं एक और ट्रेन, एंड उस ट्रेन के बाद एक और बस लेनी है। तो डायरेक्ट रूट नहीं है, लेकिन चलो अच्छा है। तो ये वीडियो इसी के बारे में है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हमेशा की तरह 70 नंबर वाली बस आ चुकी है, तो 70 नंबर वाली बस से लेते हैं और चलते हैं रेलवे स्टेशन। सॉफन बस स्टेशन पे मैं उतर गया हूँ, और चलते हैं, ट्रेन स्टेशन एकदम पास में ही है, और फिर वहाँ पे बैठ के ये ज्यूरिख HB मेन जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे चलते हैं, और वहाँ से जो एक ट्रेन पकड़ के सीधा अपने डेस्टिनेशन की ओर। यार वैसे मज़ा तो है, काफ़ी मज़ा है यार यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में, बहुत फील है, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत है, बहुत एक्सपेंसिव है। और आ गई अपनी ट्रेन, तो चलो ट्रेन में चलते हैं। और अब मैं बैठ गया हूँ ट्रेन में, एंड हमेशा की तरह लाइक नो स्विट्ज़रलैंड की जो ट्रेन होती है वो अपने लग्जरी के लिए बहुत ही फेमस होती है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। चलो आप ही बोल लो फिर, चलो अभी नहीं बोल रही है, बट चलो मज़ा आ रहा है काफ़ी। आज सनी डे है, एंड आज आई होप कि हमारा जर्नी अच्छा हो, एंड कासल देखने चलते हैं। फिर अगर सीन बनता है तो वहाँ से एक छोटा सा शहर वहाँ से पास में भी है, तो उसको भी शायद विज़िट मैं करूँ। और अब मैं पहुँच गया हूँ ज्यूरिख मेन रेलवे स्टेशन, और जो मेरी ट्रेन है वो आधे घंटे बाद है, तो चलो अभी आधे घंटे ऐसे ही चिल मार लेता हूँ। मैं नीचे वाले सेक्शन में हूँ रेलवे स्टेशन के, एंड यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लाइक अगर आपको भूख लगी है, आप कुछ खरीद सकते हो, खाना पीना, या फिर कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग, इवन शूज़ भी मिल जाएगा अच्छे डिस्काउंट रेट पर, बिकॉज़ यहाँ पर ऑफ़र चलते रहता है 30 से 50% के आसपास, तो सही है। ज्यूरिख रेलवे स्टेशन पर ये बहुत ही फेमस है, ये स्टैचू आपको दिख रहा है तो आप देख सकते हो। यूरोप में जितने भी बड़े रेलवे स्टेशन वगैरह हैं उनका कॉन्सेप्ट एक जैसा ही है, क्योंकि मैं मिलान में था ऐसा ही था इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, फिनलैंड में था तो भी ऐसा ही था, और इवन स्पेन में था तो भी ऐसा ही देखा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये मोर और लेस एक ही है, एक जैसा ही है, और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे, और अपनी ट्रेन लगी हुई है, ये आप देख सकते हो, ये ट्रेन अपनी लगी हुई है, तो चलो 10 मिनट पहले ही बैठ जाता हूँ सीट वगैरह पे। ट्रेन चलती है, फिर आपको दिखाता हूँ यहाँ का शानदार दृश्य। लैंसबर्ग अब मैं पहुंच गया हूं, और यहां से एक और ट्रेन लेनी है कासल जाने के लिए, तो अभी चलो वहीं चलते हैं। भाई लोग ही नहीं है ट्रेन में, इक्का दुक्का लोग हैं यार। ट्रेन से उतरने के बाद दूसरा प्लेटफॉर्म चेंज करना है, तो अभी ऑलमोस्ट चेंज कर चुका हूं और उस प्लेटफॉर्म के साइड जा रहा हूं, एंड तो चलो चलते हैं कासल। और इससे पहले मैं जब आया था तो वहाँ पर मैं गया था देखने बैलेंस जोना, जो कि टिचिनो रीजन में आता है स्विट्ज़रलैंड के, वहाँ पर गया था कासल देखने। अभी यहाँ ट्रेन सामने लगी हुई है, तो बिना देरी करते हुए चलता हूँ, एंड आप देख सकते हो मेरे पीछे ये स्विस फ्लैग यहाँ लगा हुआ है। भाई फील है यार, नो डाउट, चलो चलते हैं सीधा। तो आ गया हूँ मैं इस ट्रेन में और बैठता हूँ। वैसे कायदे से देखा जाए ये ट्रेन उस ट्रेन से ज़्यादा सुंदर है यार, बहुत ब्यूटीफुल है ये ट्रेन। और अब मैं आ गया हूँ अपने गंतव्य स्थल पे, यानी कि डेस्टिनेशन, एंड अब मैं यहाँ से जाऊँगा 12 मिनट का वॉक लेके सीधा कासल देखने, तो चलो चलते हैं। भाई सुंदर बहुत है यार, एंड यहाँ पे जो लाइक यहाँ की हवा में भी भाई बात है, कुछ तो बात है यहाँ की हवा में, एकदम फ्रेश और बहुत बढ़िया।
अमेजिंग है भाई, बिल्कुल अमेजिंग। मैं वॉक कर रहा हूँ और इस जगह का नाम है बोनीविल, और आज है 1 अगस्त, और 1 अगस्त को होता है यहाँ का नेशनल डे, तो इसलिए यहाँ पे स्विस फ्लैग काफ़ी लगे हुए हैं और भीड़ भी नहीं है। भीड़ तो उतनी होती नहीं है। खैर वो भाई क्या कार गई पीछे से, मज़ा आ गया। एंड अभी उस साइड हमारे अपोजिट साइड बहुत ब्यूटीफुल सा लग रहा है, जो मैं फ़ोटोज़ में देखा करता था, टीवी में देखा करता था स्विट्ज़रलैंड, लाइक उस हिसाब का। स्पेशली अभी समर है, तो समर में एक डिफरेंट स्विट्ज़रलैंड की वाइब है, विंटर में ऑफ कोर्स डिफरेंट वाइब्स होती हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, अगर आपको वो थोड़ा ब्लू ब्लू सा नज़र आ रहा होगा, वो पूरा पानी है, लाइक लेक है वो सारा का सारा, और पूरे खेत खलिहान, एंड लाइक अलग ही सीन है भाई स्विट्ज़रलैंड का, बहुत ब्यूटीफुल है। तो चलो अभी उसके पास शायद अभी मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ से और आपको अच्छा सा व्यू दिखाऊँगा। लेकिन खेत और छोटे मोटे जंगलों के बीच से होके जाना पड़ रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि मान लो आप गाँव से हो, तो आपको एकदम गाँव वाली फील यहाँ पर आएगी, लाइक कनेक्ट हो पाओगे आप। वैसे ये रूरल स्विट्ज़रलैंड नहीं है, लेकिन ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा एकदम खेत खलिहान एंड जंगलों से थोड़ा बहुत भरा हुआ है। और इस साइड आप देख सकते हो, वो वहाँ देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है वहाँ पे देखने पे। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे ये रहा पूरा कासल, और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा खेत खलिहान है। लाइक स्विट्ज़रलैंड एक अलग ही है भाई, बातचीत तगड़ी है। मेरे पीछे देख सकते हो आप, ये है कैसल, और कैसल स्पेशली यूरोप में इसलिए बनाया जाता था कि जो अमीर लोग हैं वो रह सकें, प्रोटेक्शन के लिए, टैक्स रिवेन्यू कलेक्शन वगैरह के लिए। तो पिछले बार मैं टिचिनो रीजन में था, तो वहाँ पे बेलेंजोना एक शहर है, उस बेलेंजोना शहर में बहुत सारे 2-3 कैसल थे। तो उनका बेसिकली यही था कि यू नो प्रोटेक्शन के लिए, कि कोई अगर आ रहा हो तो उसको ऊपर से देखने के लिए कि कोई हमारा दुश्मन हो या ना हो, लाइक उसके बाद यू नो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, तो इसके लिए बनाया जाता था। और यहाँ पे कासल के अंदर म्यूज़ियम है, और म्यूज़ियम विज़िट करने के लिए आपको लेनी पड़ेगी टिकट, और उस टिकट का कॉस्ट है 7 फ्रैंक। तो ये वाली टिकट मैंने ले लिया है, आप देख सकते हो ये। तो अभी इसमें 2 म्यूज़ियम है, तो अभी उसको विज़िट करूँगा और देखता हूँ वहाँ पे अलाउ है या नहीं वीडियोग्राफी करना। तो अगर हो अलाउ होगा तो वहाँ पे वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो नहीं बनाऊँगा। वैसे है काफ़ी क्यूट सा, और 7 यूरो कुछ नहीं होते भाई, आई मीन 7 फ्रैंक कुछ नहीं होते। इसमें 50% डिस्काउंट है अगर आप 26 साल के हो तो, लेकिन मैं 26 साल से ज़्यादा का हूँ, तो इसलिए मेरे को कोई डिस्काउंट नहीं मिला है। अब मैं आ चुका हूँ म्यूज़ियम में, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट तरह के ड्रेसेस वगैरह हैं। तो आप अगर मेरे पीछे देख सकते हो, वो उस सेक्शन में वहाँ पे, तो वहाँ पे वो ड्रेस है। तो ये देख सकते हो, ये शायद राजा महाराजा का लग रहा है, पता नहीं, ये वैसा ही लग रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पे इस साइड भी वैसा ही ड्रेस है, एंड वहाँ पे वो वाला नन का ड्रेस लग रहा है। और यहाँ पे ये मैप है, और यहाँ देख सकते हो आप, ये है मरिया, ये तो प्रोसेशन का ड्रेस है, वो तो मेरे को मालूम है। और उसके पीछे ही आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारी की सारी तस्वीर, और ये बताया गया कि 1940s और 50s में लाइक कैसा था यहाँ का सीन। और इस सेक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे ये किचन है, जो यहाँ पे रहते थे लोग उनका, तो आप देख सकते हो कैसा है। और ये वाला हिस्सा है जब वो वहाँ पे कुछ खाना वाना बनाते थे, तो जो वेस्टेज वाटर वो यहाँ से थ्रो करते थे। तो ये देख सकते हो आप, ये है चेस, और यहाँ पे ये उनका खाने पीने का जो पॉट था वो, तो ये भी रखा गया है। और ये जो हिस्सा है, इसमें आप देख सकते हो, इसमें ये कैदी को रखते थे, यहाँ पे आप इसके अंदर रखते थे, और सिर्फ जो कैदी होते थे उनको सिर्फ ब्रेड और वाटर ही मिलता था, और जब तक कि उसकी ट्रायल ना हो तब तक उसको इसी दयनीय अवस्था में इसमें रखते थे। और ये है इसके ऊपर का हिस्सा, और ये वाला जो हिस्सा था, ये था औषधालय, यानी कि मेडिसिन यहाँ से मिलता था सबों को। तो मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। ओह, लाइट भी जल गई यहाँ पे, ये सारा का सारा हिस्सा है, काफ़ी सही था यार। ये हिस्सा आप देख सकते हो, ये फ़िशिंग के लिए यूज़ होता था, यहाँ पे ये जाल वगैरह फ़िशिंग के लिए, और वहाँ पे कुछ इनके हथियार रखे हुए हैं, आप देख सकते हो अगर दिख रहा हो तो, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये टाइप्स के फिश, ये लिखा हुआ क्या है, लाइक ये जर्मन में लिखा है तो मेरे को उतना आ नहीं रहा है। इस हिस्से में इनके हथियार रखे हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये कैसे लाइक पशुपालन करते थे और खेती करते थे, तो उसमें ये यूज़ करते थे इन हथियारों को, तो आप देख सकते हो ये। और यहाँ पे ये उनका लिविंग रूम था, आप देख सकते हो भाई कितना सही लग रहा है यार, बहुत ब्यूटीफुल।
इस कासल को योनवा नाम के व्यक्ति ने बनाया था 12th century में। उसके बाद इसमें लाइक आग लग गई थी और फिर से इसको रीबिल्ड किया गया, और लेटर 15th to 16th century में दो फैमिली का इस पर एकदम सा लाइक इन्फ्लुएंस था, और दो फैमिलीज इस पर आप मान के चलो राज करती थी इस कासल पे। कासल विज़िट करने के बाद इसी खेतों के रास्ते से होते हुए हम लोगों का सीन बनाया कि मैं जा रहा हूँ एक छोटा सा शहर है वहाँ पे डिनर कर लूँगा, और उसके बाद सीधा ट्रेन लेके अपना चला जाऊँगा ज्यूरिख, क्योंकि पास में ही है। और अगर आप ज्यूरिख में हो तो यहाँ पे आ सकते हो आप, और आराऊ भी जा सकते हो क्योंकि छोटा सा शहर है और ठीक ठाक सा आपका अच्छा सा फील होगा, एंड एक दिन का छोटा सा स्मॉल ट्रिप आप कर सकते हो। कासल विज़िट के बाद मैंने ले ली थी बस, और बस से आ गया हूँ तौफिन थाल करके, ये रेलवे स्टेशन है, छोटा सा रेलवे स्टेशन है, एंड यहाँ से लूँगा ट्रेन और जाऊँगा आराऊ। और एक चीज़ और मुझे पता चला है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि ये छोटा स्टेशन है तो अगर आपको जाना हो तो आप यहाँ पे इसको प्रेस करोगे, विच मीन्स तब आके गाड़ी रुकेगी, नहीं तो बहुत सारी गाड़ी चली जाती है, लाइक ट्रेन चली जाती है और रुकती नहीं है, तो आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। और आ गई ये ट्रेन अपनी, और चलो बैठते हूँ अंदर। आ गया हूँ मैं आ रहा हूँ और ट्रेन से निकल चुका हूँ, और ये रहा पीछे रेलवे स्टेशन, बहुत बड़ा सा है। तो अभी एक्सप्लोर करता हूँ कि कहाँ पे जाके खाना खाऊँ, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। शाम के बज चुके हैं 5:30-6:30, और मैं 7-8 बजे तक खाना खा लेता हूँ और 10-10:30 तक सो जाता हूँ। तो डिसाइड ये हुआ कि आरओ के ओल्ड टाउन में जाके कुछ खाना वाना खाते हैं भाई, क्योंकि भूख काफ़ी लग गई है, सुबह से निकला हुआ था, तो चलो चलते हैं। और मेरे पीछे देख सकते हो आप पूरा का पूरा स्विस फ्लैग, क्योंकि आज 1st August है जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, और बहुत अच्छे तरह से टाउन को सजा रखा है, और आज मैं जहाँ भी गया हूँ इतने सारे स्विस फ्लैग्स देखने को मिले हैं कि क्या बताऊँ। और आप ये सारा का सारा घर देख रहे हो, और इसकी जो छतें हैं वो बहुत ही डिफरेंट है, लाइक आरओ जो एक दूसरा कैंटन है, ये दूसरा स्टेट मान लो, इस स्टेट में ये काफ़ी डिफरेंट तरह के घरों के छत होते हैं ये, तो ये आप देख सकते। तो भाई हो गया खाना पीना, एंड मैंने ऑर्डर किया था चिकन बर्गर और एक था चिकन कबाब, तो दो बंदों का अराउंड हो गया था 28 francs, विच इज़ मोर लेस 28 euros आप मान लो, तो यही सबसे सस्ता था। मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि भाई क्या बनाऊँ, इसका खा पी लिया था ऑलरेडी, एंड तो फिर अब मैं जा रहा हूँ सीधा रेलवे स्टेशन, यहाँ से ट्रेन लेके सीधा ज्यूरिख जाऊँगा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, आई होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, टिल देन बाय बाय एंड हैव फन।